भगवान कहाँ रहते हैं। तो एक बार नारद जी ये प्रश्न करते हैं भगवान से, प्रभु आप कहाँ रहते हैं? कौन प्रश्न करते हैं? नारद जी प्रश्न कर रहे हैं। क्या प्रश्न कर रहे हैं? कि प्रभु आप कहाँ रहते हो? कौन प्रश्न कर रहे हैं? नारद जी भगवान से प्रश्न कर रहे हैं और भगवान आंसर दे रहे हैं कि मैं कहाँ रहता हूं। नारद जी एक बार जा रहे थे, रास्ते भगवान मिल गए, पूछे प्रभु प्रभु क्या हुआ? नारद बोले प्रभु आप आपके भक्त हमेशा पूछते रहते हैं कि आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ रहते हो, कैसे आपसे मुलाकात होगी, कैसे क्या किया जाए, कैसे मिले आपसे। तो प्रभु आप दी आपका कोई विजिटिंग कार्ड हो तो आप मुझे दे दो, आप अपना कोई विजिटिंग कार्ड दे दो, मैं आपके भक्तों को दे। भगवान कहते हैं नारद जगत के कार्य से कभी फुर्सत मिला ही नहीं कि विजिटिंग कार्ड बनवाओ। बोला अच्छा प्रभु विजिटिंग कार्ड की क्या जरूरत, आप तो वैकुंठ में रहते होंगे ना। अरे विजिटिंग कार्ड की क्या जरूरत, मैं भी मूर्खों की तरह प्रश्न कर रहा हूँ। भगवान कहते हैं नारद नाहम वशामि वे कुंठे। हे नारद मैं कहाँ नहीं रहता, मैं वैकुंठ नहीं रहता। तो आप वैकुंठ पे नहीं रहते तो वैकुंठाधिपति हो आप ना, मतलब वैकुंठ पे नहीं रहते। अच्छा प्रभु आप वैकुंठ में नहीं रहते होंगे, आप तो योगियों के हृदय में रहते होंगे ना। कितने मेहनत करते हैं बेचारे, सवेरे उठ जाते हैं पांव ऊपर माथा नीचे, कभी नाक के बल रगड़ना, कभी कान के बल रगड़ना, क्या क्या करते रहते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम क्या क्या करते रहते हैं। भगवान कहते हैं नारद योगी नाम हृदय नाम, क्या कहते हैं कि नारद मैं योगियों का योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। क्या कहते हैं कि नारद मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। तो आप योगियों के हृदय में भी नहीं रहते। अच्छा आप योगियों के हृदय में नहीं रहते, कहाँ रहते हो? वैकुंठ में भी नहीं रहते, योगियों के हृदय में भी नहीं रहते, फिर आप रहते कहाँ हैं? भगवान कहते हैं क्या, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद मेरे भक्त जहां मेरे नाम की मेरी कथा की कीर्तन करते हैं, चर्चा करते हैं, जप करते हैं, मैं वहां नित्य विराजमान। तो आप कैसे कह सकते हैं कि भगवान, जहां भी भगवान का भक्त भगवान के नाम का कीर्तन करता है, भगवान की कथा का श्रवण करता है, भगवान वहां ना भगवान वहां विराजमान रहते हैं, जहां कोई भी भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान वहां एकदम विराजमान, नित्य विराजमान।